हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय। एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आल ई मित्र सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। दोस्तों, यहां पर अब तक की सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। दोस्तों, आप अपने आवेदन में बैंक खाता कैसे बदल सकते हैं? दोस्तों, अगर आपके आवेदन में आपके बैंक खाता संख्या गलत हो चुके हैं तो आपके वो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका भी मैं तोड़ लाया हूँ और आप उस तरीके से अपना खाता संख्या चेंज कर सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको अपना अकाउंट नंबर कैसे चेंज करना है। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां आपको एक फाइल का लिंक मिलेगा, आपको इस लिंक पर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। मैं अब आपको बताता हूं कि अब इस फाइल को आपको क्या करना है, कैसे आप इस फाइल के माध्यम से अपना खाता संख्या चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और इसका प्रिंटआउट ले लेना है और यहाँ पर आपको अपनी तहसील का नाम लिख लेना है, जैसा कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर अपने संबंधित ज़िले का नाम लिख लेना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक आवेदन है और यहाँ पर विषय आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बैंक खाता संख्या सही करने बाबत। दोस्तों, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में मेरा खाता संख्या गलत देने की वजह से मेरे पैसे नहीं आ रहे हैं और मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र हूँ। तो आपसे निवेदन है कि मेरे निम्नलिखित नए बैंक खाता संख्या जोड़ने की कृपा करें। दोस्तों, आपके पास जो नया अकाउंट है उसकी आपको यहाँ पर डिटेल सबमिट कर देनी है। यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम लिख लेना है। इसके बाद दोस्तों, आपको अपने बैंक का खाता संख्या यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको डाल देने के बाद आपको अपने बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों, ध्यान रहे कि आपको ये सारी जानकारी सही सही साफ अक्षरों में भरनी है। दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है इस वाले कॉलम पर। उसके बाद आपको यहाँ पर यूनिक बेनिफिशरी आईडी लिख देनी है, यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यहाँ पर आईडी, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पर अपना सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका ब्लॉक यहाँ पर आपको लिख लेना है, जिस भी ब्लॉक से आप बिलोंग करते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पर अपना ज़िले का नाम लिख लेना है और यहाँ पर इसके बाद आपको अपना यहाँ पर राज्य लिख लेना है। ये सारी चीज़ें भरने के बाद दोस्तों, आपको अपने बैंक अकाउंट की एक फ़ोटोकॉपी, अपने आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लेकर आपको अपने तहसील में जाना है। दोस्तों, तहसील में आपको इस आवेदन को पटवारी को सौंपना है और उनसे कहना है कि मेरे आवेदन में अकाउंट नंबर गलत हैं और आप इन्हें सही कर दीजिए, क्योंकि उनके पास एक एडमिन वाली आईडी होती है जहां पर एडिट आधार डिटेल के अलावा बैंक अकाउंट डिटेल का भी एक ऑप्शन आता है एडिट करने का। तो वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपका अकाउंट नंबर सही कर देंगे, क्योंकि मैंने फ़िलहाल खुद का भी करवाया है अपने यहाँ पर तहसील में, और इस प्रकार आप अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। दोस्तों, ये छोटा सा प्रोसेस है, आप इसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है और आपका अकाउंट नंबर चुटकियों में यहाँ पर यूं ही सही हो जाएगा और इसके लिए आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल बटन पर क्लिक कर देना है ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।